हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज फिर से आपके साथ शेयर करने वाले हूँ एक बहुत ही प्यारा सा अमेजन ब्यूटी हॉल, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे मेकअप प्रोडक्ट, बहुत प्यारे लिप शेड जो 100% वाटर प्रूफ होंगे और समर के लिए काफी बेस्ट है। और अगर आपकी वेडिंग होने वाली है या आप अपने पार्लर के लेना चाहते हैं तो चारों शेड मैंने बहुत ही अच्छे सिलेक्ट किए हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ में आप देखेंगे O3+ के स्किन व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग शीट मास्क और साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन मास्क। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो की तरफ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड और फेसबुक आईडी है मेरी नेचुरल्स ब्यूटी पार्लर। पहले बात कर लेते हैं हम अपने स्किन केयर की। यहाँ पर मैंने इस टाइप का दो शीट मास्क मंगवाए थे, ये गोल्डन कलर में मुझे मिले हैं और मैं भी सोच रही थी काफी टाइम से ट्राई करके आपको बताऊं, बट जैसा हमें गोल्डन शीट देखने में मिलती है ये बैक साइड से टिश्यू की तरह ही है। हाँ, लगाने के बाद रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, फेशियल से भी कहीं ज्यादा अच्छा। और मैंने लगाया था, एक में लगा चुकी हूँ, उसी के बाद आपको इसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा अच्छा होता है कि रिजल्ट आने के बाद ही प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। अगर समर में आप इसको यूज करना चाहते हैं या अपनी ब्राइड पे आपने पहले ही फेशियल कर लिया है, उनको ग्लो नहीं आया है, यूज करना चाहते हैं तो भी एक बार इसका ट्रैक जरूर करके देखिएगा। ये है अबव द मोज का शीट मास्क और काफी इजी तरीके से यहाँ पर लगाया जाता है। लगाने का तरीका मैं आपको दिखाई रही हूँ कैसे लगाना है और लगाते ही तुरंत आपको हैंड टू हैंड इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसकी MRP मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे आप दो बार यूज कर सकते हैं अपने फेस पे, बट क्लाइंट पे करना चाहते हैं तो एक ही बार यूज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने ब्लैक शीट मास्क O3+ का मंगाया था जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो यहाँ पर भी मैं O3+ के मैंने इस बार तीन मंगवाए हैं, अलग अलग है। ये इसमें मिले हैं मुझे व्हाइटनिंग शीट मास्क, ये दो मंगवाए हैं। साथ में है ये सल्फर कूलिंग फेशियल शीट मास्क और इसके साथ ही है 4-5 और ये ग्लो मास्क। तो जितना अच्छा रिजल्ट मुझे इन ब्लैक मास्क का मिला था उतना ही अच्छे रिजल्ट इनके भी हैं और मैं लगा चुकी हूँ, ये यूज कर चुकी हूँ। इसी के बाद मैंने पूरा समर में ये यूज करने वाली हूँ क्योंकि इनके रिजल्ट मुझे काफी अच्छे लगे। ये देख सकते हो मैंने इकट्ठा कितने सारे मंगवाए हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर मुझे रिजल्ट अच्छा मिला होगा तभी मैंने ये इतने सारे मंगवाए। और आपको एक 150 रुपीज का मिलता है, आप अपने पार्लर में अपनी क्लाइंट पे यूज कर सकती है, अपनी ब्राइड पे यूज कर सकती है, काफी अच्छे रिजल्ट है। आप स्किन टाइटनिंग के चाहते हैं, अच्छा सा स्किन में ग्लो चाहते हैं तो ये मास्क काफी अच्छे हैं आपके लिए। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर देखिएगा वहां पर। और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं और ये इस तरीके की पैकिंग में ही आपको मिलता है। और इसमें अगर आप ब्लैक मास्क लेना चाहें तो उन्हें भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको 5 मिनट के अंदर आपको फेशियल जैसा ग्लो देंगे ये मास्क। बात कर लेते हैं अपनी एक ऐसी क्रीम की जो हम डेली में यूज करते हैं, बट अब की बार मैंने लोटस छोड़ के ट्राई की है O3+ की। जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने O3+ की मॉइस्चराइजिंग बूस्ट ग्लो क्रीम मंगवाई है। स्किन में एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाए, स्किन काफी देर मॉइस्चराइज रहे। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है वो है हाइलोरोनिक एसिड जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डर्माकोलॉजी टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है और बहुत इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको ये मिलती है 650 में। तो इसका लिंक भी चेक करिएगा, आप 25+ है तो इस क्रीम को यूज कर सकते हैं अपना डेली रूटीन में, नाइट रूटीन में और मॉर्निंग रूटीन में। तो मैं अब यही यूज करने वाली हूँ और इसका टेक्सचर मैंने देख लिया, बहुत ही स्मूथ है ये क्रीम। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, किसी भी स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। आपकी ड्राई स्किन है तो भी इसका यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन है तो भी इसका यूज कर सकते हैं और कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया गया है। स्पेशली इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीपली जाके हाइड्रेट करता है। तो इस क्रीम का भी आप यूज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो आपके लिए बेस्ट क्रीम है ये O3+ की। अब बात करें अपने स्किन केयर की, तो अंडर आई अगर आपके डार्क है तो आपके लिए लेके आई मैं द मेंस कंपनी की तरफ से ये अंडर आई जेल। रिड्यूस करेगा आपके डार्क सर्कल को भी और आपके आई पफनेस है बहुत ज्यादा तो उनको भी कम करने में हेल्प करेगा ये। और इस तरीके की आपको ये ऐसी पैकिंग में मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं इसको यूज करना भी काफी आसान है। इस तरीके से आप इसको हल्का सा नीचे की तरफ पुश करेंगे और यहाँ पर जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप आसानी से इसको नाइट के टाइम यूज कर सकते हैं। डेली रूटीन में इसको यूज करिएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके आई पफनेस रहती है बहुत ज्यादा तो वो भी कम हो जाएगी और आपके बहुत ज्यादा डार्क एरिया है तो वो भी कम हो जाएगा। इसकी प्राइस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है और नॉर्मल
रेंज में ही है ये, और काफी अच्छा यूज करने के बाद आप देखेंगे इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जरूर चेक करेगा। ये था हमारा स्किन केयर, इसमें अंडर आई जेल था, हमारी O3 प्लस की मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी, कुछ फेस पैक थे। तो अब बात कर रहे थे अपने कंसीलर की, तो अब बात कर रहे थे कंसीलर की। कंसीलर आपने देखा होगा मैंने नॉर्मल स्विस ब्यूटी में मंगवाए थे, बट स्विस ब्यूटी का अगर आप HD कंसीलर लेना चाहते हैं तो मैंने शेड नंबर यहाँ यूज किया है 03, जो कि नॉर्मल स्किन के लिए काफी अच्छा है। और आपको इस तरीके का मिलता है, इसमें स्पॉन्ज भी दिया गया है जो यूज करने में बहुत ईजी है। अगर आप अपने आईज के यहाँ कवर करना चाहते हैं, आईब्रोज के यहाँ कंसील करना चाहते हैं, तो काफी अच्छे से हो जाएगा ये। और इस तरीके से आप जब घुमाते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। ये HD कंसीलर है, अगर आप मेरे स्किन जैसे हैं आप देख सकते हो कितनी आसानी से निकल जाएगा ये। और HD है, काफी अच्छी, बहुत ही स्मूथ चलता है और काफी अच्छी कवरेज देता है आपको, फुल कवरेज HD कंसीलर है ये स्विस ब्यूटी का। और ये इसका शेड नंबर है 03, तो आप इसे अगर मीडियम बजट में ट्राई करना चाहते हैं HD प्रोडक्ट, तो स्विस ब्यूटी के यूज कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। तो ये है HD कंसीलर स्विस ब्यूटी का, शेड नंबर है 03। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है आईज के लिए बहुत ही प्यारा सा आईलाइनर, जिसे आप एज अ ग्लिटर भी यहाँ यूज करना चाहें, इसके ऊपर मोटी डस्ट आप ग्लिटर के लगा सकते हैं, और लाइनर की तरह एक लाइन बनाकर लगाना चाहें तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर मिल जाते हैं, ये है हिलेरी रोडा की तरफ से, और इसमें काफी अच्छे अच्छे कलर है। मैंने अभी सिल्वर मंगवाया है, इसका गोल्डन, इसका पर्पल, इसका ब्लू, सभी शेड मेरे पास है, और आईज पे लगाते हुए आपको कुछ इस टाइप का लुक देंगे। चलिए मैं आपको एक बार ट्राई भी करवा देती हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये आपको मिलता है, देख सकते हो कितना प्यारा है। मेरे पास ग्लिटर ग्लू नहीं है, तो आप इसको पहले लगाकर इसके ऊपर मोटे वाला ग्लिटर आता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, एज अ लाइनर भी यूज करना चाहते हैं, कट क्रीज लाइन पे भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छे अच्छे कलर आपको मिल जाते हैं, ये है हिलेरी रोडा की तरफ से, और प्राइस बहुत कम है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा जितने ये प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ। आप ऑनलाइन पार्लर कोर्स करना चाहते हैं और आपको प्रोडक्ट लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर सभी के लिंक आपको मिल जाते हैं, और आप वीडियो देख देख कर बहुत आसानी से सीख सकते हैं और प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं, और उनसे बहुत आसानी से सीख भी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलते हैं, घर बैठे बैठे इजिली सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो है बहुत ही प्यारे प्यारे लिप शेड, न्यू कंपनी चेक की है मैंने इस बार। तो ये शेड मैंने मंगवाए हैं 4, आप देख सकते हो, और ये है पावर स्टे की तरफ से, और फुल 12 घंटे बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे ये, बिल्कुल लिप्स को ड्राई नहीं करेंगे। और अभी मैंने यही शेड लगाया हुआ है, जो मेरा ये वाला शेड है, और इनके शेड नंबर हमारे बॉक्स पर मिल जाते हैं, जो भी शेड नंबर होगा मैं सेम आपको दूंगी। ये है ऑरेंज रेड, आप अपनी ब्राइड के लिए या अपने लिए लेना चाहें ले सकते हैं। ये है हमारा रानी कलर, और ये है हमारा थोड़ा वाइन कलर, और ये है हमारा ब्राउन कलर। चारों शेड मैंने मंगवाए हैं, ये है पावर स्टे की तरफ से, 12 घंटे स्टे करती है ये लिपस्टिक, और इस पर लिखा भी हुआ है। इसकी प्राइस काफी कम है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी भी आप देखना चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल लिखी हुई है। क्वांटिटी भी हमें बहुत अच्छी मिलती है, तो आप ये चारों कलर अगर आप लेना चाहते हैं अपने पार्लर के लिए तो भी ले सकते हैं। और देख सकते हो मैंने हर एक लिप शेड अपने यहाँ पर आपको स्वेचेस भी लगाकर दिखाए हैं, और साथ में लिप्स पर भी लगाया है, तो हर तरीके से अच्छा है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपके लिप्स को स्मूथ रखता है, जरा भी केकी केकी सा फटाफटा सा नहीं करता है। और इसमें शेड आप देखना चाहें तो यहाँ पर हमें पूरे शेड मिल जाते हैं, इस तरीके के आपको बॉक्स में मिलती है, और यहाँ पर शेड सभी के लिखे होते हैं 21, जो भी चारों के शेड है मैं आपको शेड के साथ ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा ये। और लॉन्ग लास्टिंग, समर में हर कोई ऐसे लिप शेड ढूंढता है जो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, लिप्स फटे फटे भी ना रहे, क्रैक भी ना हो, टाइट टाइट भी ना हो, बहुत स्मूथ रहे, तो ये लिप शेड काफी अच्छे हैं। ये है हमारे पावर स्टे की तरफ से, और देख सकते हो नॉन ट्रांसफर है, 12 घंटे स्टे करेगी। तो ये थे मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट, सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा आज का वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।